पूरे देश में लड़कियों के साथ हो रहे दुष्कर्म के मामलों में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। सरकार या प्रशासन इस पर कोई लगाम लगाने में सक्षम नहीं हो रही। देश की राजधानी दिल्ली में कहीं सरेआम लड़की को गोली मार दी जाती है तो कहीं पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया जाता है। जब ऐसी वारदातें होती हैं तो कुछ दिन तक विरोध होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन अपराधी के हौसले बुलंद हैं। कुछ दिन बीतने के बाद देश के किसी न किसी राज्य या फिर गांव से किसी युवती के साथ दुष्कर्म, छेड़खानी, हत्या का मामला सामने आ जाता है तो सवाल उठता है कि आखिर कैसे देश की महिलाएं सुरक्षित हैं। इस मुद्दे पर हमेशा ही बहस छिड़ जाती है, लेकिन कोई नतीजा निकलने के बजाय इस तरह की घटनाएं होती ही रहती हैं। कर्नाटक से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कर्नाटक के लियांगत समुदाय के प्रभावशाली मठों में से एक श्री जगत गुरु मारुगा राजेंद्र बिहान मठ के मठाधीश शिवामूर्ति मरुग शरनारू को चित्रदुर्ग पुलिस ने गुरुवार को उनके मठ से गिरफ्तार किया है। यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को मठाधीश शिवामूर्ति मरुग शरनारू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसके बाद उन्हें चित्रदुर्ग जिला जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि अदालत में पुलिस मरुग शरनारू की रिमांड मांग सकती है। इस सनसनीखेज मामले की जांच में देरी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कर्नाटक में दो बड़े दलों बीजेपी और कांग्रेस ने भी इस मामले में चुप्पी साध ली है। शिवमूर्ति मरुग शरनारू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस अब तक कोई कार्रवाई करती नहीं नजर आ रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में कर्नाटक के प्रभावी मठाधीश पर यौन शोषण का आरोप और उनकी गिरफ्तारी का कोई सियासत पर असर पड़ने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। मरुग राजेंद्र मठ कर्नाटक का एक प्रमुख लियांगत मठ है, जिसे कि सभी राजनीतिक दलों के बीच प्रभावशाली माना जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि लियांगत मठ अराजनीतिक है, वहीं राजनेताओं को कर्नाटक के मठों में कतार में देखा जा चुका है। राहुल गांधी को भी मठाधीश के साथ देखा गया है। दरअसल कर्नाटक में लियांगत गुरु के आशीर्वाद का बहुत प्रतीकात्मक मूल्य होता है। राजनीतिक नेताओं और पार्टियों को उनके द्वारा प्राप्त समर्थन का दावा करने में मदद मिलती है। आपको बता दें कि लियांगत मठों जैसे सुतुरमठ, मरुग मठ और अन्य का प्रभाव चुनावों से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक होता है। साल 2020 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा को बदलने की बात कही जा रही थी तो मरुग मठ के शिवमूर्ति पहले धार्मिक नेताओं में से थे, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से येदुरप्पा का समर्थन किया था। तब उन्होंने समर्थन में कहा था कि येदुरप्पा एक जमीनी नेता है, उन्होंने पार्टी को कर्नाटक में नए सिरे से खड़ा किया है, उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।